बिल्कुल ईमानदारी से वोट नहीं हुआ है। और आप पहले जीत होती थी 5,000 10,000 15,000 से, अब तो ऐसा लगता है कि 2,00,000 3,00,000 5,00,000 कोई चीज ही नहीं है। अरे यूएन सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। ईवीएम सरकार मुर्दाबाद, ईवीएम सरकार मुर्दाबाद। के रिजल्ट आने से पहले जो भाई साहब बता रहे थे कि कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि बीजेपी चुन के आने वाली है, सही है। लेकिन जब 23 तारीख की शाम में जब सातवां चरण चल रहा था, उस टाइम पे 5 बजे से मीडिया ने कहना शुरू किया कि ऐसे रिजल्ट आने वाले हैं कि लोगों को हार्ट अटैक आ जाएंगे, बहुत से लोगों को ये बोला गया था मीडिया के ऊपर। तो हकीकत में जब 6 बजे दिखाया गया कि 300 से ऊपर बीजेपी जो है सीट लेने वाली है, तो हकीकत बात यह है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ, नमाज पढ़ने गया, तरावी की नमाज में मुझे ध्यान नहीं था, सिर्फ ये ध्यान था कि ये कैसे हो गया, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है, गले ही नहीं उतर रहा था। और आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे आप लोगों ने जो आंदोलन शुरू किया है, मैं समझता हूँ कि ये कुछ दिनों में आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन होने वाला है कि मैं समझता हूँ जैसे अंग्रेजों को भगाने के लिए एक आंदोलन हुआ था, अभी ये बीजेपी को हटाने के लिए आने वाला है। 2014 में चांदनी चौक से 26,000 मुस्लिम वोट बीजेपी को गया, इस साल 73,000 वोट बीजेपी को गया। मैं समझता हूँ कि मुसलमान है ना, आधा परसेंट ऐसा हो सकता है कि बीजेपी की फूल की तरफ देखेगा, नहीं तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि मर जाएगा लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देगा। लेकिन बीजेपी ने आज तक 5 सालों में कोई काम ऐसा नहीं किया, सिवाय उन्होंने नफरत की राजनीति के सिवा कोई राजनीति नहीं किया है आज तक। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज युवा नाराज, मुस्लिम नाराज, किसान नाराज, दलित नाराज, मजदूर नाराज, हर लोग नाराज होने के बाद में भी इतनी सीटें आती हैं, तो मैं समझता हूँ कि ईवीएम के अलावा कोई और दूसरा घोटाला नहीं है। धन्यवाद। जहाँ 5 महीने पहले राजस्थान में हारी थी, मध्य प्रदेश में हारे थे, छत्तीसगढ़ में हारे थे, वहाँ राजस्थान में एक सीट नहीं मिलती, ये पॉसिबल ही नहीं है। कर्नाटक में भी वहाँ जो जनता दल और कांग्रेस की सरकार है, वहाँ 56% वोट मिले थे ये दोनों पार्टियों को, और वहाँ भी बुरी तरह से इन दोनों पार्टियों की हार हुई है। तो ये पूरा हैकिंग किया गया है, या फिर जो कैम्ब्रिज एनालिटिका ने डोनाल्ड को जिताने के लिए जो ये किया था, ऐसा कुछ साजिश की गई, लेकिन ये यहाँ साजिश करके ही ये चुनाव हाईजैक किया गया है, उसके रिजल्ट हाईजैक किया गया। तो हम कभी भी किस हालत में कबूल नहीं करेंगे कि ये सरकार यूएम सरकार है, ये सरकार आम आदमी की, लोगों की सरकार नहीं है। मुझे याद है मैं पत्रकार था, तभी मैंने 2004 की बात है जब वाजपेयी जी खड़े थे, एक टॉलरिंग पर्सनैलिटी थी उसके, और वहाँ तभी ये किया था कि शाइनिंग इंडिया और अच्छे दिन फिलगुड का ये था। तब मैंने लिखा था कि किताब या चित्र में अनाज का ताट रहेगा भरा हुआ, पंच पकवानों का, वो देखकर किसी का पेट नहीं भरता। इस अपने पिछले 2-3 साल में हमने देखे करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई थी, नोटबंदी में कैसे लोगों के हाल हुए थे, उसके बावजूद भी लोगों ने इनको वोट दिए, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ये पूरा चीटिंग करके ये लोग जीते, तो इसका हम विरोध करना चाहिए। जनता दल पूरी तरह से इसमें शामिल रहेगा, हम आगे आकर लड़ेंगे, और पूरे देश में ये फैलना चाहिए, क्योंकि लोग राह देख रहे थे कि पहली कौन बात कर रहा है, और ये पहली बात रखने के काम यहाँ से हो रहा है, और ये पूरे देश में फैलेगा, और ये जब तक हम मोदी साहब नहीं हटाते तब तक हम लड़ते रहेंगे। हमारे बीच में वी आर ब्लेस्ड टुडे डॉक्टर जी डी पारिक, जो फ्रीडम फाइटर है, जो पीटीए आंदोलन में जेल जा चुके थे, उनकी उम्र 93 है, वो उसके 95 उसके बावजूद वो आज हमारे आंदोलन में है, और हमें आवाज मिल गई है, जो डर हमारे मन में था हमारी जबान पे आ गई है, और हम चलकर यहाँ पर आ गए हैं। सवाल ये है कि सरकार किस लिए होती है? सरकार हमें रुलाने के लिए है कि सरकार हमें खुशहाल देखने के लिए है? ऐसा लगता है कि ये सरकार हमें खुश देखना नहीं चाहती, क्योंकि अगर वो अत्याचार कर रही है हमारे नेबर पर, हमारे सामने वाले पर, हमारे दोस्त पर, तो वो हम कैसे खुश रह सकते हैं? अगर मुसलमान को मार रहे हैं तो हिंदू कैसे हंस सकता है? अगर दलित को मार रहे हैं तो मुस्लिम कैसे हंस सकता है? तो ये क्या है? ये पूरा पूरा समाज को डराने के लिए है, ये सिर्फ वो दलित और दलित के परिवार को डराने के लिए नहीं है,
ये मुझे भी डराने के लिए है, आपको डराने के लिए भी है। ये सब हम डरे हुए रहे और हमारी आवाज नहीं निकले, जैसे मुझे मुश्किल से बोलने को मिल रहा है अभी, क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा षड्यंत्र है और ये बहुत बारीकी से प्लानिंग किया गया है कि आज हम यहाँ बैठे हैं और पूछ रहे हैं कि हमारा हक कहाँ है। ये भूलना नहीं चाहिए कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आज खड़ा हो रहे हैं। जो जो भी गड़बड़ी की गई 100% मशीन है, इसे मैनमेड मशीन, इसमें गड़बड़ तो की जा सकती है। और जो असीम भाई का इस्तकबाल करता हूं मैं, और जो भी गड़बड़ की गई है बहुत होशियारी से की गई है कि आम आदमी इसके बारे में सोचे नहीं। लेकिन हमारे जहन में ये बात उस वक्त आने लगी, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि शिवसेना का एक कॉर्पोरेटर जीता था तो पूरा इलाका, जो पूरा वार्ड है उसको लाल गुलाल से रंग दिया जाता है। लेकिन इस वक्त बॉम्बे की किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस तरह की कोई खुशी का इजहार किया नहीं गया, कि इस तरह की कोई ऐसी बात नजर नहीं आई कि हमारा कैंडिडेट जीता है और हम उसको धमाल करेंगे और उसको सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि ज्यादा करके लोग थे, जो आम आदमी था वो चुप था, वो ये सोच रहा था कि तमाम लोगों ने बीजेपी और सेना के उम्मीदवार को वोट दिया है। उसी तरह दूसरा आदमी भी यही सोचता था कि मैंने नहीं दिया वोट, मैंने बीजेपी को नहीं दिया, मैंने सेना को नहीं दिया, लेकिन बाकी तमाम लोगों ने सेना और बीजेपी को वोट दिया, इसलिए तमाम लोग खामोश थे। लेकिन अब आहिस्ता 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 ये बात, इन बातों की शुरुआत हो चुकी है। मैं समझता हूँ आज हिंदुस्तान भर में कम से कम 22-23 जगह पर इस तरह के छोटे छोटे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। मैं नासिक से हूँ तो नासिक से 50,000 फार्मर हेजल नंगे पाँव आए थे बॉम्बे, तो ये सारे फार्मर तो डेफिनेटली मोदी जी को नहीं वोट किए होंगे। तो फिर भी फार्मर के कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई आदमी जीता नहीं, ये कैसा हो सकता है अगर ईवीएम का फ्रॉड ना हो? इसीलिए इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट में आए। इन तमिलनाडु लॉट ऑफ फ्रॉड्स हैव हैपेंड, पर्टिकुलरली इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी तेनी, वेयर द ओनली कॉन्स्टिट्यूएंसी द यूपीए वाज डिफीटेड, एंड इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी 40 EVM machines were unauthorizedly brought from Coimbatore without any official records. And what happened during the counting? This is pertaining to the Theni constituency. While counting, the EVM machines belonging to Madurai were also found. So how could it happen? These are the secrets of this election. This has to be exposed. And in what happens is in Theni, some of the places in the Western Ghats, and the donkeys are deployed to carry the EVM machines. And the agents didn't follow. So during that time, they have exchanged the EVM machines. That is how the Congress leader EVKS Ilangavan was defeated. So there are a lot of things. One more thing, TV Dinakaran, another party, he had got 300 booths zero. He has deployed in every booth four people, his own people he has deployed. At least the four people would have voted and he got zero. So this is the malpractice the government has done, the election commission has done. So we have to rise to the occasion and see that the paper ballot is brought back. Thank you. Har insan jo is mulk se mohabbat karta hai, जो जमहूरियत पर यकीन रखता है, उसे इस बात की बेचैनी है कि ईवीएम के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठ रही है। मुझे लगता है कि पूरे देश को सड़क पर आ जाना चाहिए, पूरे देश को खड़े हो जाना चाहिए। सबसे पहली बात है कि जब पूरी दुनिया में मैक्सिमम जो कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज, वो सब के सब ईवीएम को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ ईवीएम पे इलेक्शन होना क्या जरूरी है? क्यों नहीं उसे रोका जा सकता? अभी मैं सुन रहा था, इसराइल में इलेक्शन था और इसराइल एक डेवलप कंट्री है जिसने ईवीएम की शुरुआत किया। इसराइल इलेक्ट्रॉनिक में, इसराइल इन चीजों में सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री है। और जब वहां इलेक्शन हुआ तो वहां के इलेक्शन कमीशन लेडी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम बैलेट पे इलेक्शन करवा रहे हैं क्योंकि हमें यकीन नहीं है कि हैकिंग नहीं होगी। उन्हें लगा कि एक तरफ से हमास, दूसरी तरफ रशिया, ये हैकिंग कर सकते हैं, हमें इस बात का डर है, इसलिए हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम पे इलेक्शन ना करा के हम जो है ये दूसरी तरीके से इलेक्शन करवा रहे हैं, ये उन्होंने कहा। तो जब एक कंट्री इतना डेवलप है वो ईवीएम पे नहीं कर रहा है तो हमारे देश में ईवीएम पे क्यों इलेक्शन हो रहा है? एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है और मैं मानने को तैयार नहीं हूं। हम सब सड़क पे थे इलेक्शन में, चारों तरफ से बीजेपी के खिलाफ आवाजें उठ रही थी,
चार पांच सालों में जो ये बैठे हुए हैं मोदी सरकार, इनके लोगों ने पांच सालों में देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। इन्होंने हजारों हजारों करोड़ रुपया बांटा है, इलेक्शन कमीशन को दिखता नहीं चीजें, इंटेलिजेंस ये रिपोर्ट नहीं दे रहा है। ये बिल्कुल गलत तरीके से देश की जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है और दो लोग इस देश को लूट करके इस देश में डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। हम सबको बिल्कुल खड़े होकर के इसकी मुखालफत करना ही चाहिए। मैं हैरान हूं ये सोचने पे कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां जितनी पार्टियां हैं उनके लीडरान क्यों नहीं सड़क पे उतरते कि भाई अगरचे आप कह रहे हैं ईवीएम में गलती नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं, चलो माना कि आपकी बात सही भी है, लेकिन यहाँ की जनता नहीं चाहती, दूसरे देश के लोगों ने इसे रिजेक्ट किया है, तो मेरा देश क्यों नहीं इसे रिजेक्ट करता? इसे रिजेक्ट होना ही चाहिए कि मशीन में जितनी वोटिंग की गई उससे गिनती ज्यादा कैसे आ रही है, इस पे सवाल उठना चाहिए। मैनिपुलेशन हुआ है इसके ऊपर। और 20 लाख मशीन है, सुनिए, 20 लाख मशीन निकली है और वो गायब हो गई और ये देश क्या अंधा हो गया है? क्या कानून खत्म हो गया है? क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? क्या हो रहा है? थोड़ी सी भी कहीं एरर है, कहीं गलती है तो उसके ऊपर तुरंत कदम उठाना चाहिए। और मुझे अफसोस है कि आज इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट सबके सब सरकार के तलवे चाट रहे हैं। तंत्र चोर है, अमित शाह से डर गए। बहुत जरूरी है, इसलिए इस देश के उन नेताओं ने जिन्होंने इस देश को आजादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दिया, आज अगर आत्मा नाम की कोई चीज होगी उनकी आत्मा खून के आंसू रोती होगी कि मेरे भारतवर्ष में क्या हो रहा है, ये कैसे गुंडे और बदमाश लोग आकर बैठ गए हैं और इस देश के कानून को बिल्कुल मटिया मेल करके अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, ये कार्रवाई बढ़ना चाहिए। गांधी जी के कातिल को जो इस देश का प्रेमी मानता वो जीत करा रहा है, कितनी बड़ी अफसोस की बात है। नाथूराम गोडसे की जय जयकार करने वाले अगर पार्लियामेंट में पहुंचेंगे तो इस देश का क्या होगा? अफसोस की बात है। इसके ऊपर हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। मैं बहुत बधाई देता हूं जस्टिस कुलसे पाटिल साहब को, इन्होंने आवाज उठाया, सबको जमा किया, मुझे भी इन्होंने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे लोग देश में आज है कि जो इस देश के लिए आज कुछ भी करने को तैयार है। हम सबको इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इसके बाद हमारे साथ है हमारे मार्गदर्शक और जिन्होंने इस आंदोलन के लिए एक अहम भूमिका निभाई है, हम सब लोगों को साथ में लाना और सबको आगे लेके जाने की भी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो रिटायर्ड जस्टिस कौनसे पाटिल साहब से मैं विनती करूंगा वो हमारा मार्गदर्शन करें। इलेक्शन के माहौल में आपने ये दोनों रंगा बिला का चेहरा देखा था, उसके चेहरे पर नूर नहीं था। आप उसका इतिहास देखो, गुजरात का गृह मंत्री अरविंद पांड्या से लेकर आज तक जज लोहिया तक सभी लोगों का मर्डर करते जा रहे हैं और ये तड़ी पार के चेहरे से नूर उड़ गया था, उसका चेहरा शैतान जैसा हो गया था, तो भी आज की तारीख में अचानक उसके चेहरे पे रौनक आ जाती है और कहीं जगह पे उसका माहौल नहीं दिख रहा है, खुशी नहीं दिख रही है और सब लोग परेशान है। तो हमें ये सोचने की जरूरत है, हमें रोड पे आने की जरूरत है। जैसे भूकंप आया तो आप क्या घर में क्या आपका मोबाइल लेने के लिए खड़े रहोगे? हमको ऐसा भूकंप लाना पड़ेगा, तुरंत रोड पे आना पड़ेगा और ये रंगा बिला को यहाँ से हटाना पड़ेगा। जब से गुजरात में आप देखो इलेक्शन गुजरात का माहौल का तारीख आप देखो, गुजरात में 2017 का इलेक्शन था तब एक कश्मीर में अचानक बस आती है उसके ऊपर हमला होता है, तो हर इलेक्शन के टाइम सैनिक के बलि चढ़ी है लेकिन लोगों को गुमराह किया जाता है। और इन लोगों ने यह सोचा है कि अभी 86% हिंदू को उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं, हिंदू को गुमराह कर रहे हैं, नफरत का जहर घोला जा रहा है और ये कारण आज लोगों को लगता है कि ये जीत गए, ये जीते नहीं है। ये उनका सेटिंग किस तरह से किया जाता है कुछ मुझे उसके ऊपर सोच के आए, तो ईवीएम जहां एक रूम में रखी जाती है जहां बूथ होता है वहां 5 ईवीएम है तो 5 ईवीएम की जगह 11 ले जाते हैं, ऑलरेडी 5 ईवीएम सेटिंग रहती है, एक एक्स्ट्रा रहती है वो खराब हुई इसके लिए। जब पैकिंग करते हैं
तो उसके ऊपर सील लगाए जाते हैं जो ईवीएम सेटिंग की हुई रहती है, किसी को शक नहीं जाता है। इसीलिए वोटिंग में गिनती में फर्क आता है, वोटिंग में गिनती में 1000 वोट हुआ उसमें 1500 निकला, ये पूरी साजिश है। ये भी सोचने की जरूरत है, बहुत लोग है, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ईवीएम के ऊपर आंदोलन जारी रहेगा। जय आज मीडिया ने ऐसा सिचुएशन बना दिया है कि सत्ता को अपोजिशन नहीं है, तो हम जनता रास्ते में आएंगे और हम अपोजिशन है ये याद दिलाएंगे, ये घोषणा देकर मैं मेरा बात खत्म करती हूँ। भारत में जो ईवीएम बनते हैं उसकी जो माइक्रो कंट्रोल है, माइक्रो कंट्रोलर जो है वो एक जापान की कंपनी है, उसका नाम है रेनेसिस, और दूसरा जो कंपनी है वो अमेरिका की है जिसका नाम है माइक्रोचिप इनकॉर्पोरेटेड। तो ये दो कंपनियों से हमें माइक्रोचिप आती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये दो भारत सरकार की कंपनी है, वहां से चिप लाती है। लेकिन दोस्तों जो देश चिप बनाता है जापान में ईवीएम का वापर नहीं होता, अमेरिका में भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता, और बल्कि माइक्रोचिप इनकॉर्पोरेटेड जो कंपनी है उसको गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी कि जीएसपीसी का जो 20,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ था, माइक्रोचिप इनकॉर्पोरेटेड के सिस्टर कंसर्न को जिसका नाम है जियो ग्लोब रिसोर्सेस करके, तो उसको करीब 10% कॉन्ट्रैक्ट मिला था जो 2000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था। और यही कंपनियों के जो टॉप लीडर्स है, ओनर्स है, वो एनआरआईज है। तो ये मसला सिर्फ ईवीएम के माध्यम से, माइक्रोचिप के माध्यम से जो चोरी की है उसमें जो प्रोग्राम बनाए वो बना के मतलब डाल सकते हैं। और अभी जो मतलब ये आज एक महत्व का दिन है इतिहास के अंदर कि जो लोकशाही को खत्म करने की साजिश चली है और उस साजिश से आई हुई सत्ता के सामने जो आज शपथ ले रही है, ये दोनों चीज एक साथ हो रहा है, ऐसा कहीं दुनिया में नहीं होता होगा। तो हम चाहते हैं कि ये लड़ाई जमीन की लड़ाई है, ये लड़ाई लोगों की लड़ाई है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को जिंदा रखने की लड़ाई है। मेरा कहना है कि लोकशाही में और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर मानने वाली जितने पार्टियां हैं, जितने लोग हैं, इन्होंने एक साथ आना चाहिए और हमको इस आंदोलन को और तीव्र करना चाहिए, शपथ लेना चाहिए, तय करना चाहिए हर जगह में, हर कस्बे में, हर उपनगर में। हम लोग ने छोटी छोटी कई 100,000 मीटिंग लेनी पड़े तय करके, ये आने वाले असेंबली के चुनाव के पहले काफी समय पहले ये ऐसी वातावरण बनना चाहिए कि सरकार को ऐसा दबाव आवे कि वो बैलेट पेपर का यूज करे, न कि ईवीएम मशीन का। बहुत सारी चीजें ईवीएम मशीन की साथ में हम हमारी तकनीक जनता को उतारने की उतारे और हमारे सवालों को लेके उसको साथ में जोड़ के, ईवीएम के सवाल को साथ में जोड़कर जनता के ज्वलंत सवालों को लेकर हम आगे बढ़े। जय हिंद। ऐसे में साथियों ये पूरी ईवीएम का घोटाला है, ईवीएम की सरकार बनी है उनके ही ईवीएम की बदौलत बनी है, क्योंकि जनता में कहीं भी चहल पहल नहीं है, कहीं भी उत्साह नहीं। ऐसे में साथियों इस पूरी प्रणाली को रद्द करना चाहिए और वापस से बैलेट पेपर की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, यही मांग हम करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। ईवीएम सरकार, ईवीएम सरकार, आज की सरकार हम मानेंगे नहीं। वो ईवीएम सरकार है, वो ईवीएम सरकार है, और हमारे जिंदगी में इसके बाद सिर्फ बैलेट पेपर पे वोटिंग करेंगे, ईवीएम का बटन दबाएंगे नहीं। हमें इस देश की संविधान, इस देश को बचाना है, इसलिए मोदी शाह नाम के गुंडों को हटाना है। जय भारत।